बसमिल्लाम इसी को कंटिन्यू करते हैं वही लेक्चर जो पीछे भी हुआ है थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गई तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया प्राइमरी और सेकेंडरी का

और ये जो है वो लो साइड में एक्सप्लेन किया देख लें कोई चेंज नहीं है देर इज नो चेंज सिर्फ हाई साइड और लो साइड के लफ्स इसके अंदर चेंज हुए हैं और हमारे पास जो है वो आ, हमारे पास जो है वो डायग्राम्स में ये चेंज आएगी ठीक है जी और आप ये भी देख लें कि एक में हमने डिवाइड किया था एक में हमने मल्टीप्लाई किया था जब हमने जब हमने कंप्यूनर प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट किए थे तो हमने क्या किया था डिवाइड किया था ठीक हो गया और जब हमने प्राइमरी से सेकेंडरी में किए थे तो मल्टीप्लाई किया था ठीक हो गया ये देख लें डायग्राम जो आपको बता रहा है और इसके लिहाज से इक्वेशन टू फोर्टी थ्री भी बनती है इसकी इक्वेशन लिहाज से टू फोर्टी थ्री ए भी बनती है ठीक हो गया और दूसरी बात यह कि आपको याद होगा पीछे क्या कॉन्सेप्ट था जेड इन डैश ठीक है जी इनपुट इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड एल

इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेकिन इस एग्जाम्पल से पहले हम ये जल्दी जल्दी आर्टिकल कवर कर लें वोल्टेज रेगुलेशन का बस वोल्टेज रेगुलेशन की इक्वेशन याद रखनी है टाइप्स याद रखनी है कॉन्सेप्ट याद रखना है वो बस बता रहा हूं रेगुलेशन कहते हैं बेसिकली वेरिएशन को ठीक है जी आप देखा कि बिजली जो है वो ब्लिंक करती है वोल्टेज और करंट के अंदर वेरिएशन आती है तो प्रॉब्लम अक करता है ठीक है हम कहते हैं इज लाइन रेगुलेशन लाइन के अंदर रेगुलेशन हो रही है ठीक है बाज़ ओकात ऐसा होगा कि लोड साइड पे आ, हम ये घर की तरफ भी देख सकते हैं घर वालों को रेजिडेंशियल रोड कंसिडर करें तो घर के अंदर किसी लोड में लोडर्बेंस आए या घर एज अ होल लोड कंसिडर किया जाए उसकी वेरिएशन की वजह से जो रेगुलेशन प्रोड्यूस होगी तो वो हमारे पास वो भी रेगुलेशन काउंट करेगी ठीक है अब करंट रेगुलेशन भी होती है याद रखिएगा वोल्टेज रेगुलेशन भी होती है पावर रेगुलेशन भी होती है तो पावर में भी एक्टिव पावर रेगुलेशन भी हो सकती है और रिएक्टिव पावर रेगुलेशन भी हो सकती है ठीक है अब ये जो रेगुलेशन मैर करते हैं ट्रांसफार्मर की जनरेटर की मोटर की ये फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान कितनी वेरिएशन आती है ठीक है इसलिए लफ्स दो इस्तेमाल करते हैं वन इज नो लोड जब लोड नहीं होगा वन इज फुल लोड या रेटेड लोड जब लोड होगा बस ये याद रखिएगा नो लोड जब लोड नहीं होगा फुल लोड जब फुल लोड होगा ठीक है इन दोनों का डिफरेंस आगे लेकर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है कि जी आ, और वोल्टेज रेगुलेशन क्योंकि जो वोल्टेजेस का की सिंबल इस्तेमाल किए तो यहां पे होगा वोल्टेज रेगुलेशन वी आर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर ठीक है जी इज इक्वल टू द डिफरेंस द रेशो रेशो है याद पहले तो ये रेशो है एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक है इज डिफरेंस बिटवीन नो लोड लोड वोल्टेज माइनस फुल और रेटेड ठीक है जी रेटेड या फुल लोड नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड या नो लोड माइनस फुल लोड रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड बात एक ही है लेकिन ज्यादा आम कॉमन लफ्स

करंट नो लोड माइनस करंट फुल लोड डिवाइडेड बाय करंट फुल लोड ठीक है पावर आएगा तो पी हो जाएगा रिएक्टिव uh, हो जाएगा तो क्यू हो जाएगा और कोई खास चेंज इसके अंदर नहीं आएगी बस ये अच्छा और दूसरी बात यह वोल्टेज रेगुलेशन के साथ ये जो क्वेश्चन है ना एग्जांपल टू पॉइंट सेवन है इसको छोड़ दें आ, और इसके साथ रिलेटेड जो एक्सरसाइज में वोल्टी रेगुलेशन के साथ काम थोड़ा सा मुश्किल तो खैर नहीं है लेकिन ये है एक्स्ट्रा हो जाएगा इसलिए मैं कह देता हूँ कि इसको आप एग्जाम्पल टू को छोड़ दें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अच्छा एक दो चीजें और बतानी थी इसमें वोल्टी रेगुलेशन में तो टाइप्स कौन सी हो गई लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन ठीक हो गया अब इसके अंदर भी किसमें हैं फॉर एग्जाम्पल जीरो रेगुलेशन क्या है जीरो रेगुलेशन तो जीरो रेगुलेशन का क्या मतलब है जीरो इधर रिपोर्ट कर दें क्या कर देंगे इधर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाय के साथ जीरो तो नो लोड इज इक्वल टू फुल लोड करंट वोल्टेज या पावर जब भी नो no लोड और फुल लोड आपस में बराबर हो जाए वैल्यूज पैरामीटर्स की वोल्टेज करंट या पावर की तो आपस में हम उसे क्या कहेंगे रेगुलेशन को वोल्टेज रेगुलेशन जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो रही नहीं है भाई ठीक है अब आगे और कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट दूसरा है कि वोल्टेज रेगुलेशन अप यानी कि रेगुलेशन बढ़ रही है पहले फाइव परसेंट थी अब सेवन परसेंट हो गई है रेगुलेशन लाइन पे करंट की वोल्टेज की पावर की एक्टिव की रिएक्टिव की ठीक हो गया तो इसे क्या कहेंगे अप बढ़ रही है या पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन डाउन कम हो रही है इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन भी वोल्टेज रेगुलेशन कह सकते हैं तो डाउन में नीचे जाएगी अप में ऊपर जाएगी ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पर यूनिट के साथ रिलेटेड है तो हम 2.12 पर यूनिट वैल्यूज आपको जो आर्टिकल है इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं टू पर यूनिट इम्पिडेशन पर यूनिट ट्रांसफार्मर uh, वाइंडिंग्स ठीक हो गया जी अच्छा इससे पहले कॉन्सेप्ट दे दूँ कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे पास आपको याद होगा कि हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं एम के एस सिस्टम अच्छा जी फिर एस SI आई सिस्टम फिर एफ पी एस सिस्टम फुट पाउंड और मीटर और ये किसी को किलोग्राम में हम उस पर रहते हैं मास का यूनिट फिर पाउंड लेते हैं बाजात फिर हम इस तरह तो इसी तरह पावर के अंदर हम वाट्स लेते थे पावर के लिए करंट के लिए एम्पेयर वोल्टेज के लिए वोल्ट इसी तरह सब कुछ तो अब काम को आसान बनाना है तो याद रखिएगा जब हम पावर सिस्टम की करेंगे आप लोग मशीन में कर रहे हैं फिर आप ट्रांसमिशन में भी देख करेंगे पी में शायद करना पड़े पावर जनरेशन में आई डोंट नो कि वो यूनिट इस्तेमाल होते हैं कि नहीं अलबत्ता पावर सिस्टम सेवन सेमेस्टर और पावर इकोनॉमिक डिस्पैच एंड कंट्रोल एट सेमेस्टर इसमें आपकी पावर की जो अनिसिस होगी वो पर यूनिट के अंदर होगी तो ये आप सिंपल अपने जहन को समझाने के लिए ये बात समझें कि एनालिसिस करने के लिए पावर सिस्टम की सिंपलर एनालिसिस एनालिसिस करने के लिए एक नंबर दो एनालिसिस को सिंप्लीफाइड करने के लिए नंबर दो हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जन का वो क्या उनसे इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं पर यूनिट तो करंट को भी पर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं पावर को भी वोल्टेज को भी इंपीडेंस को भी रेजिस्टेंस को भी रिएक्टेंस को भी फायदा क्या होता है फायदा यह काम हमारा आसान हो जाता है हम एक चीज कंसिडर करते हैं और उसके रिस्पेक्ट से वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और हम सारी की सारी पर यूनिट निकाल लेते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो है वो कितनी है फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको समझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जीरो से लेकर वन वन तक मैक्सिमम पर यूनिट वेरिएशन होती है जीरो पर यूनिट जीरो पॉइंट वन पर यूनिट अच्छा जीरो पॉइंट फाइव पर यूनिट मैक्सिमम कितनी होगी वन वन को कंसिडर करते हैं रेटेड ज्यादातर वन, वन तक ही जाते हैं और उसको कंसिडर करते रेटेड बाजा बाकात आप कह सकते हैं कि वन पॉइंट वन भी होता है वन पॉइंट टू तक भी जाता है लेकिन ज्यादातर वन तक या वन पॉइंट फाइव तक उस ऊपर भी जा सकता है लेकिन ज्यादातर नॉर्मली इतनी ही पर यूनिट की वेरिएशन होती है जीरो से लेकर वो और नेगेटिव में भी तो डिपेंड करता है कि फिर आगे

डिवाइडेड बाय रेटेड वैल्यू जो उसकी रेटेड वैल्यू है तो रेटेड वैल्यू फुल लोड वैल्यू बेस वैल्यू बात एक ही है एक्चुअल वैल्यू या ऑब्जर्वड वैल्यू या एक्सट्रैक्टेड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू बात एक की है मुखलिफ मतलब लफ्स इस्तेमाल होते हैं मशहूर डेफिनेशन एक्चुअल वैल्यू बाई बेस वैल्यू है ठीक है. है जी एक्चुअल के भी बता दिए क्या मतलब होता है और बेस कहीं बता दिया मिसाल क्या हुई बाजार से आपने एक पावर केबल लाई ठीक है जी केबल लाई और उसकी शीट भी आपके पास थी और उसमें यह कहा कि इसके आ, इसकी जो बेस वैल्यू है वो वन पर यूनिट है करंट की ठीक है जी बेस वैल्यू वन पॉइंट और, और एक्चुअल वैल्यू मतलब इसकी आप ये कह सकते हो कि पर यूनिट जो रेटिंग है इसकी करंट की दैट इज इक्वल टू आ, या आप ये कह सकते हैं करंट की जो मैक्सिमम रेटिंग है फॉर एग्जांपल वो वन एम्पेयर है ये लिखा हुआ था उस कागज पे वन एम्पेयर था अब आपने लाए और उसको चलो करंट के लिहाज से थोड़ा सा ये है कि मुश्किल हो जाएगा पावर में तो पावर कंजम्पशन कंजन पावर केबल की डिफाइंड स्पेक्स के साथ फॉर एग्जांपल वन वॉट है वन वॉट है रिलेटेड वैल्यू इस करंट के साथ और इस वोल्टेज के साथ आपने वही करंट घर में इसको दिया उस केबल को आपने वही वो वोल्टेज उस केबल को दिया लेकिन जब आपने अपने वॉट मीटर लगाया तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि यार इसने तो वन दिया हुआ था लेकिन मेरे पास तो आ गया 0 .98, 0 .98. अब पर पावर क्या ली? क्या हुई या एक्चुअल वैल्यू जो भी बेस वैल्यू जो उसने दी थी बने शीट पे कितनी थी वो वन थी तो आपके पास आंसर क्या आया पर यूनिट का जीरो पॉइंट नाइन एट पर यूनिट बस ये बात याद रख लें अब रिजिस्टेंस की पर यूनिट क्या होगी मिसाल के तौर पे एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस रिएक्टर्स की एक्चुअल रिएक्टर्स बाय बेस इंपीडेंस की एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस ठीक है जी इसने कैसे किया हुआ है ये ये इसने कैसे किया हुआ है बंदा परेशान हो जाता है परेशानी की बात नहीं है पहले एक इक्वेशन एक 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 को मैं समझाऊंगा बाकी आपने खुद समझना है एक इक्वेशन में समझा रहा हूं Z पर यूनिट ठीक है जी इज इक्वल टू Z एक्चुअल डिवाइडेड बाय Z बेस ठीक है एक्चुअल क्या है कैलकुलेटेड एक्सट्रैक्टेड वो क्या हो गया एक्चुअल Z एक्चुअल Z इक्वलंट हो गया क्या हो गया Z इक्वलंट ठीक हो गया डिवाइडेड बाय Z बेस बेस मींस रेटेड तो आप क्या करें कि वी रेटेड इधर लिखा हुआ है ना इस आई रेटेड को ऊपर से न्यूमिनेटर से शिफ्ट करें डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा वी रेटेड स्लैश या डिवाइडेड बाय आई रेटेड ठीक हो गया तो V रेटेड बाय I रेटेड क्या होता है Z -rated. Z रेटेड रेटेड का क्या मतलब होता है Z बेस तो क्या मतलब हुआ Z एक्चुअल बाय Z बेस Z एक्चुअल इज Z इक्वल्ट एंड Z बेस इज Z बेस इज V रेटेड बाय I रेटेड दैट देड बी Z, -B. Z बी बात तो एक ही है इसने ऊपर लेके शिफ्ट किया हुआ है ऊपर से नीचे उठा के लाएंगे तो वी रेटेड रेटे बन जाएगा बात तो एक ही है गलत तो नहीं है तो ये इक्वेशन आपने जबानी याद रखनी है ये इक्वेशन प्रॉब्लम में इस्तेमाल होती इस है जबानी अगर नई जबानी याद रख सकते तो एक्चुअल और बेस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और करंट और वोल्टेज का वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होगा तो जेड रेटेड आएगा इस तरह आर वी बाय आई

तो बेस आपके पास एक फार्मूला टू फोर्टी एट का, बेस का एक फार्मूला का का पर यूनिट का फार्मूला एक और का तो इसी तरह ये सारे आप कर सकते हैं फिर आगे जी इसने क्या किया देखे, वो देखिये वही बातें जो मैंने कही थी ऊपर ना नीचे सही निकली टू फोर्टी नाइन में एक्चुअल बेस एक्चुअल बेस एक्चुअल बेस, बेस वो सारा करनामा किया हुआ ये आप खुद कर लें जबान आपको आ जाएगा ठीक है कोई नई चीज नहीं है अब Z पर यूनिट को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे R पर यूनिट प्लस J X पर यूनिट और Z पर यूनिट को मॉड ले लेंगे स्केयर रूट ऑफ R स्केयर पर यूनिट प्लस X पर यूनिट और और ए, एंगल निकाल जो टेन तो इनवर्स X unit, पर यूनिट डिवाइड बाई r पर यूनिट ठीक है जी एक और बात उसने इंपॉर्टेंट दे दी कि यार ट्रांसफार्मर रेटेड अबव हंड्रेड के है जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं हैव कंडक्टर्स ऑफ सच लार्ज सेक्शन एरिया कॉमन सेंस की बात है जब हाई करंट कंडक्टर का साइज बड़ा होगा बिकॉज जब ए सी सप्लाई ऑन होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाएंगे क्योंकि हाई रेटिंग है तो मैग्नेटिकट ज्यादा होंगे जिसकी वजह से रिएक्टर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा बनस्पत के रेजिस्टेंस जो कॉन्स्टेंट होती है उसका so इफेक्ट कम होगा क्योंकि कम होगा इग्नोर कर सकते हैं तो जेड पर यूनिट को हम ग्रेटर टू x पर यूनिट भी लिख सकते हैं यहां तक हम स्टॉप कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हम डिस्प्ले करेंगे इन वो एग्ज़ाम्पल कर लेंगे ये वाली ये एग्जाम्पल देख लेंगे कोई एग्जाम्पल देख लेंगे एक ये एग्जाम्पल देख लेंगे बाकी कुछ एग्ज़ाम्पल एक दो छुड़वा दूंगा आपसे और फिर हम आगे जो लॉसिस ऑफ द ट्रांसफार्मर के है, ये एक ये रह गया हमारे पास और ये इसका इस्कोनिकल इसका रिलेटेड रह जाएगा तो वो हम कर लेंगे इनशाला तो यहाँ तक समराइज कर लेते हैं